मित्रों, सो बबल का जो कनेक्शन हम करते हैं कैलिब्रेशन के उपरांत या पश्चात, तो सबसे पहले एक सिलिकॉन ट्यूब इसमें यहां से यहां तक इस तरह से जोड़ लेते हैं। ये सिलिकॉन ट्यूब है, इसके बाद एक ट्यूब हम पंप के द्वारा इस फ्लो कंट्रोलर में लगाते हैं। और ये पंप ये कहां जा रही है, इसको मैं पंप के द्वारा दिखा रहा हूं। ये सिलिकॉन ट्यूब, ये हमारा पंप है। ये सिलिकॉन ट्यूब ये पंप के में लगी हुई है। इसका कनेक्शन एक लाइट वहां से कनेक्शन किया हूं, ये पंप का कनेक्शन है। और ये सिलिकॉन ट्यूब जो है दिख रहा है आपको, ये सिलिकॉन ट्यूब इस नोजल में, फ्लो कंट्रोल के इस नोजल में लगानी है। इससे फ्लो आपका कंट्रोल होके इसमें इस ट्यूब में आ रही है। ये कनेक्शन का विवरण आपको मैं दिखाया, सिंपल तरीका है। दो ट्यूब आपको जोड़ना है बस, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी आपको मैं बताया किस तरह से इसका कनेक्शन किया गया हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रोटामीटर 3 LPM और 2 LPM का जो रोटामीटर है उसको किस तरह कैलिब्रेशन करने के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले दो रोटामीटर को हमने किस तरह से नोजल को उसे एक नोजल से दूसरे नोजल के तरफ मैं उसको करके दिखा रहा हूं आपको। सपोज ये 3 LPM का रोटामीटर है, आपके पास 4 LMT हैं, 4 11 हैं, चाहे हैंडी सैंपलर हो चाहे पर्सनल सैंपलर है, उसमें 3 LPM 2 LPM का रोटामीटर आपके पास रहते हैं। उसी रोटामीटर को आप इंटरमीडिएट चेक करने के लिए सॉफ्ट बबल हमसे परचेज करते हो। तो अब इस रोटामीटर इंटरमीडिएट चेक कैसे करें? दो रोटामीटर मेरे पास हैं या आपके पास हैं, तो सबसे पहले एक नोजल को हम पाना से खोल रहे हैं। तो इसको, इस नोजल को मैंने खोल लिया। फिर दूसरी रोटामीटर जो है इसके निचले हिस्से का नोजल मैं खोल रहा हूं, ये आप दिख रहे हैं, इसको मैं खोल दिया। पहले रोटामीटर का जो नोजल मैं इसमें लगा दिया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नोजल है इसी माप का तो कोई दिक्कत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे दोनों को टाइट कर लिए। अब देखिए ये क्या है, 0 से 3 LPM का रोटामीटर है। ओके, अब देख लीजिए। फिर मैं इस रोटामीटर को अपने सॉफ्ट बबल कैलिब्रेटर में पुट अप कर रहा हूं, ये इसको मैं लगा दिया। अगर ये ढीला हो कोई दिक्कत हुई अपने आप इसको ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, साइज के हिसाब से आपको इसको कर सकते हैं। तो ये 3 LPM का रोटामीटर लग गया। और ये सिलिकॉन ट्यूब जो दिख रही है सॉफ्ट बबल का ऊपरी हिस्सा, ये सिलिकॉन ट्यूब आई है, ये रोटामीटर का निचले हिस्से में जहां 0 से 3 है निचले हिस्से में इसको इस नोजल में हम पुट कर दिए। सिंपल। अब पंप का, पंप से जो कनेक्शन आई हुई है, पंप से जो कनेक्शन आई हुई है इस फ्लो कंट्रोलर यूनिट में, इसका एक सिलिकॉन ट्यूब है, इसको हम रोटामीटर के ऊपरी हिस्से की नोजल में लगा रहा हूं। अब देखिए सिंपल। अगर यहां यहां दिक्कत हो रहा लगाने में, आपको हिल रहा है, दीवार कमजोर है या उसमें जो लगा कमजोर, तो निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं। आप फिर से देख लीजिए, ये जो फ्लो कंट्रोल का ऊपरी हिस्से में सो बबल से जो ट्यूब आ रही है वो निचले हिस्से में, ये लगा के इस स्टैंड को आप लगा दिए। ठीक, मैंने बताया ये ब्लाडर किस तरह से लगाया जाता है। मैंने बताया 1:3 के रेशियो में ईजी या कोई भी सॉल्यूशन को पानी में घोलकर इसमें फिलअप किस तरह किया जाता है। मैंने बताया आपको किस तरह ट्यूब का कनेक्शन होती है पाइप और पंप के द्वारा। मैंने बताया आपको रोटामीटर किस तरह स्टैंड में लगाया जाता है। ठीक, अब क्या है, इसका कैलिब्रेशन की बारी आ गई। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैलिब्रेशन कैसे किस तरह की जाती है।